हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आरसी एजुकेशन हब बानसूर। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3। इससे पहले हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। आपने नोट्स अच्छे से बना लिए होंगे, क्वेश्चन आंसर्स कर लिए होंगे। आई होप आप घर पे स्टडी भी कर रहे हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 3, फाइबर्स टू फैब्रिक। ओके, सबसे पहले मीनिंग आता है वॉट आर फाइबर्स। तो फाइबर्स क्या होते हैं? दीज आर द थिन स्ट्रैंड्स और वी कैन से दैट इट इज द थिनेस्ट स्ट्रैंड ऑफ ए थ्रेड। देखिए जनरली आपने देखा होगा कभी भी कोई छोटा सा धागा है तो आप उसको अनवाइंड करके देखना। फॉर एग्जाम्पल ये आप धागा है, इसको अगर आप अनवाइंड करेंगे तो ये बहुत सारे रेसे इसमें से पतले पतले निकलेंगे और वो जो स्मॉल रेसा है उसी को हम फाइबर कहते हैं। सो इट इज द थिनेस्ट स्ट्रैंड ऑफ ए थ्रेड। ओके, बात हो रही है फाइबर से, हमें कहा पूछना है फैब्रिक। फैब्रिक मीन्स ए पीस ऑफ क्लोथ। ओके, तो ये पूरी जर्नी हमें आपकी इस चैप्टर नंबर 3 में करनी है कि किस तरह से छोटे से जो फाइबर्स होते हैं दे कंबाइन टू फॉर्म ए थ्रेड, देन थ्रेड कंबाइन टू फॉर्म यार्न, सॉरी दैट इज उससे फैब्रिक की फॉर्मेशन होगी। तो देखिए यहाँ पे हमें डिस्कस करना है, सबसे पहले हम फाइबर्स की बात करते हैं। तो फाइबर्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 2 कैटेगरी, 2 कैटेगरीज। ओके, तो फाइबर्स, वन इज नेचुरल फाइबर एंड अनदर इज आर्टिफिशियल, आप कह सकते हैं सिंथेटिक या आप कह सकते हैं मैन मेड फाइबर्स। ओके बेटा, तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि थ्रेड, सॉरी फाइबर क्या होता है? फाइबर इज द थिनेस्ट स्ट्रैंड ऑफ ए थ्रेड। ओके, फाइबर्स को हम कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं? 2 कैटेगरीज में, नेचुरल फाइबर, आर्टिफिशियल और सिंथेटिक या मैन मेड फाइबर्स। ओके, तो आपके इस चैप्टर में हमें बात करनी है ओनली नेचुरल फाइबर्स के बारे में। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं व्हाट आर द नेचुरल फाइबर्स। ओके, अब देखिए बात आती है नेचुरल फाइबर्स। Fibers which are obtained from plants and animals, or we can say that from nature, are called natural fibers. Okay? अब ये जो fibers हैं ये भी 2 categories में divided हैं। One is plant fiber. Another is animal fiber. Okay, बेटा, plant fiber and animal fiber. If we are talking about the plant fiber, तो इसमें हमारे पास 2 examples हैं, jute and cotton. ठीक है? Animal fibers की हम बात करें तो इसमें भी हम 2 की बात करेंगे, wool and silk. Clear है? आपके जो chapter है अभी class 6 में उसमें हमें discuss करना है about plant fibers. Is that clear? यानी सबसे पहले हमने फाइबर्स को कितने, सबसे पहले हमने देखा व्हाट इज फाइबर, इट इज द थिनेस्ट स्ट्रैंड ऑफ ए थ्रेड। उसके बाद हमने डिस्कस किया फाइबर्स कितने कैटेगरीज में डिवाइडेड है, 2 में, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। फिर हमने डिस्कस किया नेचुरल फाइबर्स के बारे में, द फाइबर विच यू ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स और फ्रॉम द नेचर। ओके, फिर हमने बात किया प्लांट फाइबर्स, यानी नेचुरल फाइबर भी 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, प्लांट फाइबर एंड एनिमल फाइबर। अब बात करते हैं प्लांट फाइबर। तो प्लांट फाइबर में आप क्या लिखेंगे? द फाइबर विच वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, विच वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। क्लियर है? दोज आर नोन एज प्लांट फाइबर्स। प्लांट फाइबर के एग्जाम्पल हो गए जूट एंड कॉटन। ओके, एंड दोज फाइबर्स which
we obtained from animals. आर कार एनिमल फाइबर्स, इसमें हम बात करेंगे वूल एंड सिल्क. इज दैट क्लियर बेटा? ओके, तो ये था एक इंट्रोडक्शन अबाउट द फाइबर और किस तरह से फाइबर मिलके फैब्रिक बनाएंगे. सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द जूट फाइबर. हैव ए गुड डे.